एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेट एजुकेशन। सो दिस चैनल इज फॉर ऑल द एनटीपीसी नेट एंड जेआरएफ एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एजुकेशन सब्जेक्ट पेपर 2। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। तो आज की जो वीडियो है हमारी, वो पोलो फायर के ऊपर है, जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल चेंज में, और ये इंडियन थिंकर थे। ठीक है, आज हम इनकी फिलॉसफी को डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनका जो मेन कॉन्सेप्ट क्या था, जो इन्होंने एम ऑफ एजुकेशन क्या दिया था, इसके साथ साथ इनकी जो क्रिटिकल पैडागॉजी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनटी के पर्सपेक्टिव से, उसका क्या मतलब है। तो पोलो फायरर जिनको कह रहे हैं, जिनका पूरा नेम है पोलो रिकलर्स नेम्स फायरर। ठीक है, तो ये इनका पूरा नेम है। और इनके अलावा ये जो बॉर्न हुए थे वो सितंबर 19 में बॉर्न हुए थे 1921 में, और ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, ये ब्राजील से थे। पोलो जो फ्रायर थे ये ब्राजीलियन एजुकेटर थे, फिलोसोफर भी थे, और ये वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रेडिकल एजुकेशन थियोरिस्ट भी थी इन दी 20th सेंचुरी। तो ये आपको हिंदी में भी अवेलेबल है, और जितने भी पीडीएफ से आपको वो सारे के सारे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है पोलो फ्रायर की कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन्होंने ये फादर थे आपके क्रिटिकल पेडागोजी के, जिन्होंने पर्सपेक्टिव दिया था एजुकेशन का। पोलो फायर थे, उनका जो वर्क था वो कि कंसिडरेबल किया जाता था एज अ प्रोग्रेसिव एजुकेटर में ऑल ओवर द वर्ल्ड में। इनका जो कॉन्टेक्स्ट था एमर्जिंग ट्रेडिशंस के हुआ था क्रिटिकल पेडागोजी का, यानी कि इन्होंने जो अपना क्रिटिकल पेडागोजी जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे ट्रेडिशनल्स जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसको चैलेंज करने के लिए लेकर आए थे। क्रिटिकल पेडागोजी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर पोलो फ्रायर ये कहते हैं कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ जो एजुकेशन है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम या ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में जो एजुकेशन पढ़ाए जा रहे बच्चों को, वो गलत है क्योंकि वो एक तरह का बैंकिंग सिस्टम है, और टीचर्स क्या कर रही है बच्चों को उनके माइंड में इंफॉर्मेशन फीड कर रही है और बच्चे एग्जैक्ट उसको अपने माइंड में प्रोसेस कर रहे हैं और को आउटकम दे रहे हैं, जो कि गलत है क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम आपके रोट मेमोराइजेशन लर्निंग के ऊपर डिपेंड थी, जिसके अंदर आपकी सारी की सारी असेसमेंट और इंस्ट्रक्शंस थी वो टीचर्स करती थी, बच्चे को कोई रोल नहीं था और बच्चे को एज अ ब्लैंक स्लेट माना जाता था। ब्लैंक स्लेट यानी कि एक खाली आपकी स्लेट की तरह माना जाता था कि जिसके अंदर टीचर उनको लिख रही है और टीचर उनको उनका भविष्य बना रही है, तो वो गलत था। बच्चे को भी फुल ऑटोनॉमी देनी चाहिए कि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद गेन करे, खुद लर्न करे। इसीलिए उनको ये ज़रूरत महसूस हुई एक ऐसी एजुकेशन की जो कि करंट ट्रेडिशनल एजुकेशन को चैलेंज कर सके, इसलिए इन्होंने क्रिटिकल पैडागॉजी अपना कॉन्सेप्ट था वो डेवलप किया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे क्रिटिकल पैडागॉजी के बारे में। तो उससे पहले हम जान लेते हैं जो पोलो फेरन थे वो ना ही आइडलिस्ट थे, ना ही वो रियलिस्ट थे, और ना ही वो मैकेनिस्ट थे। और जो फायर थे वो कम्प्लीटली डिनाई करते थे कि मैन है वो एब्स्ट्रैक्ट है, आइसोलेटेड है और इंडिपेंडेंट है। वो कहते थे कि एक आइडियल मैन वही है कि जो कि डिपेंडेंट है हमारे नेचर में और वो इस वर्ल्ड के ऊपर डिपेंडेंट है, वर्ल्ड में और मैन के बीच में रिलेशन है और किसी भी तरह का आइसोलेशन नहीं है। आइसोलेशन तब होता है कि जब इंसान अब एक आइसोलेट एनवायरनमेंट में रहे, दूसरों से कम्युनिकेट ना करे, लेकिन एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर टू वे प्रोसेस में कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन टीचर एंड आपके लर्नर के बीच में, तो इसलिए एक आइडियल इंसान या आइडियल ह्यूमन बीइंग कभी भी आइसोलेट नहीं हो सकता। तो ये इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ थे कि मैन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है और आइसोलेट है। इनके अकॉर्डिंग तो कॉन्शियसनेस थी वो हमारी जो प्रसीड नहीं करती थी वर्ल्ड से,
जैसे कि आइडलिस्ट कहते थे, और ये कम्प्लीटली आइडलिस्ट फिलॉसफी को डिनाई करते थे। ये इनको एक एग्जिस्टेंशियल मैन के तौर पे देखा जाता था, जो कि कहते थे कि जो इंसान के अंदर पावर है, उसकी स्ट्रॉन्ग विल है, जो कि इंसान को उसके उसको बना रही है, ठीक है। मैन को एज अ सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड कंसीडर किया गया है विद द वर्ल्ड के साथ, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो पॉल फेयर ने दिया था, आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है, ये हिंदी भी अवेलेबल है इसकी, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलो फेयर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जो इन्होंने किए थे, इंपॉर्टेंट जो पब्लिकेशंस थी जो कि पॉल फेयर ने दी थी। तो पहली जो इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन थी वो थी एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट है पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। इसके ऑप्रेस्ड के अंदर इन्होंने बात की है जो कि पीड़ित लोग थे, जो पीड़ित जो कि सप्रेस्ड लोग थे उनके बारे में कि उनकी क्या पेडागोजी है, तो वो इनका इम्पोर्टेंट वर्क था। एजुकेशन थी फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस के बारे में इनकी पब्लिकेशन थी। पेडागोजी ऑफ होप थी, पेडागोजी ऑफ फ्रीडम थी, इसके साथ साथ पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्क थे पॉलो फेयर के। नेक्स्ट देख लेते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द फेयर द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू ह्यूमेनाइज द इंडिविजुअल्स थ्रू कॉन्शियस एक्शन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड। यानी कि एम ऑफ एजुकेशन ऐसी हो जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कॉन्शियस एक्शन को जगाए और उसके चेतन को जगाए, इसके साथ साथ उसके अंदर ये पर्पस डेवलप करे इस वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने की। इन सच अ प्रोसेस एजुकेशन कैन नॉट बी न्यूट्रल, और इनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो न्यूट्रल नहीं हो सकती, आइसोलेट नहीं हो सकती। इसको एक तरह से इंस्ट्रूमेंट कहा गया है डोमिनेशन का और लिबरेशन का। एजुकेटिव प्रोसेस है, यानी कि वो डोमिनिसिकेट पीपल वेयर देयर एग्जिस्ट अ डोमिनेट कल्चर ऑफ साइलेंस। इनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन थी वो कि डोमिनेट करती थी, एजुकेशन एज अ डोमिनिसेट डोमिनिसिकेट की तरह देखा जाता था, जिसके अंदर पावर थी लोगों के ऊपर डोमिनेट करने की। ये एजुकेशन है वही चला रही है लोगों को, तो इसलिए उसका डोमिनेंट नेचर था। तो ये हमें पॉलो फेयर के एम ऑफ एजुकेशन में देखने को मिला। इसके साथ साथ जो कल्चर था पीपल का वो लोगों को सिखाया जाता था एजुकेशन के थ्रू, और जिसके अकॉर्डिंग जो कल्चर और जो एजुकेशन थी वो इक्वली रूल करती थी लोगों के ऊपर, जिसका लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता था एज इट इज, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग जो सोशल रियलिटी थी वो लिमिटेड थी, और क्योंकि सोशल रियलिटी के अंदर देखा गया कि जो लोगों को दिया जाता था वो सिर्फ और सिर्फ उसे एक्सेप्ट करते थे और बिलीव करते थे, किसी भी तरह का क्वेश्चनिंग नहीं करते थे। तो ये सब कुछ आपका एम ऑफ एजुकेशन में कहा गया। तो मेन दो चीज़ सीखने वाली है, पहली है कि जो एजुकेशन है वो डोमिनेट करती है लोगों के ऊपर, एजुकेशन कभी भी आइसोलेट नहीं होती, ये दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ यही है कि जो सोशल रियलिटी है वो पीपल एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं विदाउट इवन क्वेश्चनिंग। नेक्स्ट है फेयर्स के कुछ एजुकेशनल व्यूज है। पहला है एजुकेशन इज अ कल्चरल टूल फॉर लिबरेशन फ्रॉम ऑपरेशन। यानी कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो कि हमें ये लिबर्टी देता है, ये फ्रीडम देता है सभी तरह के ऑपरेशन से दूर रहने के लिए। एजुकेशन एक पॉलिटिकल एक्ट है, पॉलिटिकल एक्ट इन द सेंस कि जितनी भी पॉलिसीज जो हमारी गवर्नमेंट बनाती है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे एजुकेशन सिस्टम रन करता है। तो उसी सेंस में इनका कहना है कि एजुकेशन है वो हमारे एक पॉलिटिकल एक्ट है। इसके साथ साथ एजुकेशन है वो कम्युनिकेशन है बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स इन अ डायलॉग। यानी कि टीचर और लर्नर के बीच में इक्वली कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनियन है ये एजुकेशन हमारी, टू वे डायलॉग हो रहा है। तो इसलिए ये एजुकेशन आइसोलेटेड नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट है नॉलेज इज नॉट अ सेट कम्युनिटी। हमें नॉलेज को कभी भी एक कमोडिटी के तरीके से नहीं देखना है, यानी असेट के तरीके से नहीं देखना है। तो ये बात की गई थी फेयर के एजुकेशनल व्यूज में। नेक्स्ट है लर्निंग है वो एक्शन से बिगेन होती है। स्टूडेंट को कभी भी एम्प्टी अकाउंट की तरह कंसिडर
ट्रेडर नहीं करना है। एम्प्टी अकाउंट यानी कि एक खाली खाली इंसान की तरह उनको कंसीडर नहीं किया करना है, क्योंकि स्टूडेंट के भी अपने बिलीव्स हैं, उनके अपने वैल्यूज हैं, और हमें टीचर को उसको रिस्पेक्ट करनी है और उनको कभी भी एज अ एम्प्टी अकाउंट की तरह कंसीडर नहीं करना है। नेक्स्ट, एजुकेशन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसके अंदर एजुकेटर और एजुकेटी दोनों ही आपस में रोल प्ले करते हैं, कि दोनों का ही इक्वल रोल है, एजुकेटर का भी और एजुकेटी का भी, यानी जो एजुकेशन ले रहा है स्टूडेंट और लर्नर का। नेक्स्ट है, एजुकेशन एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है हमारे रियलिटी की, यानी कि हमें एजुकेशन एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग देता है इस वर्ल्ड को जानने की, कि हम क्या सही है क्या गलत, इसको हम जज कर सकते हैं अगर हम एजुकेटेड हैं तो। नेक्स्ट है, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस है वो एक्सटेंशन नहीं है जबकि ये कम्युनिकेशन है। एक्सटेंशन द सेंस कि वो एक आइसोलेट नहीं है, ये एक कम्युनिकेशन कम्युनियन प्रोसेस है। नेक्स्ट है, पॉलो फेयर के कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि यहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला है एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, कि जो एजुकेशन है वो हमें फ्रीडम देती है, हमें लिबर्टी देती है एक्सप्लोर करने की, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, पेडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड, यानी कि द ऑप्रेस्ड बिकम्स लिबरेटेड एंड बिगिंस टू क्वेश्चन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। ऑप्रेस्ड यानी कि जो कि पीड़ित लोग हैं सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर इन सेक्शन को एजुकेशन इक्वली दी जाए तो ये आगे जाके क्वेश्चन करने में समर्थ होगे। सोसाइटी के जितने भी ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस हैं, जितने भी स्टीरियोटाइप्स हैं, तो उसको ये क्वेश्चन कर सकती है। तो अगर पेडागोजी है, अगर हम स्टडीज है, अगर एजुकेशन है, तो वो एक ऑप्रेस्ड को भी पावर दे सकती है कि वो अपने हक के लिए लड़े और क्वेश्चन करे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है सोसाइटी में। ठीक है, ये था आपका। नेक्स्ट है, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस क्या है। क्रिटिकल कॉन्शियसनेस यानी कि एक लोगों के अंदर, लर्नर के अंदर एक कॉन्शियसनेस जगाना कि वो क्रिटिकली ऑब्जर्व कर सके, जज कर सके और जो भी सोसाइटी में प्रैक्टिसेस है उसको क्वेश्चन कर सके। जो उसको पढ़ा रहा है, कोई भी टीचर है उसको, कोई भी पढ़ा रहा है लर्नर को कॉन्सेप्ट, तो वो उसको समझ सके, उसमें अपनी लॉजिकल रीजनिंग लगाए। नेक्स्ट है, प्रैक्सिस। जो पॉलो फेरर के प्रैक्सिस का क्या मतलब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है पॉलो फेरर के प्रैक्सिस का मतलब क्या है। तो प्रैक्सिस आपके दो चीजों से मिलकर बना है, एक्शन एंड देन रिफ्लेक्शन, यानी कि जब हम एक्शन कर रहे हैं फिर उसको हम सोच रहे हैं अपने एक्शन के बारे में, उस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका प्रैक्सिस बनता है। तो प्रैक्सिस का मतलब है सिंथेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एक्शन, यानी कि थियोरी और प्रैक्टिस दोनों हैंड इन हैंड चलती है, थ्योरी भी और प्रैक्टिस भी लर्निंग प्रोसेस के अंदर, कि थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकली भी हमें थ्योरी को अप्लाई करना है। प्रैक्सिस का मतलब है थ्योरी, यूज ऑफ थ्योरी इन अ प्रैक्टिकल वे। फायरन ने कंसीडर किया था प्रैक्सिस को एज इक्वल ऑफ प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन। प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन यानी कि जो बच्चे को ये परसुएट कर रही है, बच्चे को यानी लर्नर को ये आपको स्ट्रेंथ दे रही है कि वो किसी भी चीज को क्वेश्चन कर सके, उसे लॉजिकल रीजनिंग लगा सके, जो भी उसको पढ़ाया जा रहा है उसे एग्जैक्ट ले ना उसी फॉर्म में, जबकि ये उसको सोचे कि क्या जो मुझे पढ़ाया जा रहा है वो सही है या गलत है, तो उसके बारे में क्वेश्चनिंग कर सके। तो ये प्रैक्सिस था, यानी कि क्रिटिकली कॉन्शियस जगानी है हमें ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो ये था आपका प्रैक्सिस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे हमेशा वो आते हैं, क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, पॉलो फेरर की मेथोडोलॉजी क्या थी। तो तीन तरह के बेसिक स्टेप्स थे मेथोडोलॉजी के अंदर। पहला है टू सी यानी कि देखना, टू एनालाइज यानी कि एनालिसिस करना, उसके रूट कॉज तक जाना कि उसकी जड़ क्या है किसी सिचुएशन की, उसको स्टडी करना, फिर जाकर उसको एक्ट करना, कि जो आपने देखा है उसको एनालाइज किया है, तर्क वितर्क करके सीखा है, अब बारी आती है उसको अप्लाई करने की, एक्ट करने की। तो ये तीन तरह के आपके बेसिक स्टेप्स थे मेथोडोलॉजी के, पॉलो फेरर की मेथोडोलॉजी के अंदर। पहला है टू
टू सी यानी कि सिचुएशन को देखना, जिसके अंदर जो पार्टिसिपेंट है खुद उस सिचुएशन में रहकर देखता है, ऑब्जर्व करता है, वो डिफाइन करता है प्रॉब्लम को कि क्या जो सिचुएशन के अंदर प्रॉब्लम क्या है उसको डिस्क्राइब करता है और तब जाके वो लिंक बनाता है। नेक्स्ट है एनालाइज करना कि सिचुएशन की जड़ तक जाना कि सिचुएशन की क्या रूट कॉजेज है उसको जानना, ये क्यों हुई प्रॉब्लम और ये क्या इसका नेचर है, क्या ये प्रॉब्लम सस्टेन है, क्या परपेचुएटेड है यानी कि वो लॉन्ग टर्म चल रही है, तो इन सब को देखना और बाद में जाके इमीडिएट इफेक्ट्स निकालनी उस रूट कॉजेस की। जब के पूरा प्रोसेस डन हो जाता है, लास्ट में जाके आता है एक्ट करना। एक्ट करना यानी कि अब बारी है हमें उसको अप्लाई करने की, उसके सॉल्यूशन को जानने की, सॉल्यूशन को निकालने की। लॉन्ग टर्म एक्शन और शॉर्ट टर्म एक्शन दोनों तरीके से हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म एक्शन यूज हो रहे हैं कि जब हमें कोई इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लॉन्ग टर्म एक्शन यानी कि जब हमने एक प्रस्पेक्टिव बना लिया जिसपे हमें इस टेनवर पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है जो कि लॉन्ग वे में चल रहा है। नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर देख लेते हैं और लर्निंग सिचुएशन देखते हैं। तो रोल ऑफ टीचर है जो कि एग्लिटेरियन टीचर होनी चाहिए। इसका मतलब कि टीचर और लर्नर के बीच में रिस्पेक्टफुल रिलेशन होना चाहिए। टीचर बच्चे को कभी भी ब्लैंक स्लेट की तरह कंसिडर नहीं करे, उसको इक्वली इम्पोर्टेंस दे। टीचर का रोल यही है कि वो बच्चे को फ्लरिश करे एक ऐसा एटमोसफेयर जिसके अंदर एक्सेप्टेंस भी हो और ट्रस्ट भी हो। नेक्स्ट है को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज यानी कि सिर्फ टीचर ये बच्चे के लिए नॉलेज कंस्ट्रक्ट नहीं करती है, जबकि टीचर को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को फुल ऑटोनोमी दे अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की, कुछ इन्वेंट करने की। ठीक है, तो कंटिन्यूइंग इंक्वायरी हो इसके अंदर, लर्नर्स को ये परसुएड करे कि वो भी इस नेचर को, इस वर्ल्ड को जाने, एक्सप्लोर करे। लर्निंग सर्कल्स की बात की है। लर्निंग सर्कल्स आपका नॉन हायरार्किकल क्लास मॉडल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉन हायरार्किकल क्लास मॉडल क्या है। तो नॉन हायरार्किकल क्लास मॉडल है जिसके अंदर जो टीचर है वो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है जिसके अंदर किसी भी तरह का हायरार्किकल सिस्टम नहीं है। हायरार्किकल सिस्टम यानी कि जिसमें टीचर बच्चे को वो इंफॉर्मेशन दे देती है और बच्चा उसे एग्जैक्ट एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन लर्निंग सर्कल में ऐसा है कि टीचर और बच्चे का इक्वल पार्टिसिपेट करते हैं पूरे लर्निंग प्रोसेस में। टीचर बच्चे से सजेशन लेती है और बच्चा टीचर से सजेशन लेता है, तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होती है थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस पे। ठीक है, और जिसके अंदर जनरेट होती है डिफरेंट थीम्स को, जो बच्चे के लिए क्या सिग्निफिकेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है उसके लाइफ के लिए, वो पढ़ाया जाता है। और डेमोक्रेटिक स्पेस होता है। डेमोक्रेटिक स्पेस यानी कि जिसके अंदर हर किसी की वॉइस को इक्वली इम्पोर्टेंस देने की इसमें दी जाती है। नेक्स्ट ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं फायरर के, पेडागॉजी के। तो इनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो लिबरेशन है, यानी कि एजुकेशन हमें लिबर्टी देती है, लिबरेट करती है किसी भी तरह के ऑपरेशन से और किसी भी तरह के डोमिनेट बिहेवियर से। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर कंसाइटेशन। कंसाइटेशन यानी कि एजुकेशन इंसान के अंदर कॉन्शियसनेस जगाती है, क्रिटिकल अवेयरनेस डेवलप करती है, क्या सही है क्या गलत है उसके अंदर ये जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है वो जगाती है और एक इनडेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है जो कि आपको रिजल्ट देती है सभी तरह के बंधनों से मुक्त होना, सभी तरह के ऑपरेशन से मुक्त होने की। नेक्स्ट है प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन। प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन यानी कि जिसके अंदर जो टीचर है वो क्या कर रही है, आपको क्रिटिकल अवेयरनेस जगा रही है बच्चे के अंदर कि हर किसी को वो क्रिटिकली ऑब्जर्व करके सीखे। बैंकिंग सिस्टम नहीं हो, बैंकिंग एजुकेशन यानी कि जिसके अंदर टीचर बच्चे के अंदर एजुकेशन इन्वेस्ट कर रही है, वेयर द टीचर इज फीडिंग द इंफॉर्मेशन इन द माइंड ऑफ द चिल्ड्रन और जो बच्चा है वो उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको ये हटाना है। इसलिए जो फेरारे की जो पेडागॉजी थी उन्होंने प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल जस्टिस
सोशल जस्टिस डनिंग, यानी कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस चली आ रही है, जो ट्रेडिशनल बिलीव, जो फीलिंग्स, जो अजम्पशंस है, उसको हमें हटाना है, ट्रांसफॉर्म करना है रिलेटेड टू न्यू नीड्स एंड न्यू फीलिंग्स। ये हिंदी में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है कुछ क्रिटिकल पेडागोजी जो होती है, पॉलो फेरेरे ने, इसको देख लेते हैं क्या है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि क्रिटिकल पेडागोजी के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम था, बैंकिंग एजुकेशन सिस्टम था, उसको इन्होंने रिजेक्ट किया है, उनको मानने से मना किया है और एक अलग प्रॉब्लम पोजिंग सिचुएशन है वो इसके अंदर लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये आपका क्रिटिकल पेडागोजी के अंदर है, जिसके अंदर एजुकेशन को, एजुकेशन प्रोसेस ऐसा हो जो कि क्रिटिकल कॉन्शियसनेस जगाए बच्चे के अंदर, लर्नर के अंदर। इसके साथ साथ क्रिटिकल पेडागोजी ऐसी हो जो कि अवेलेबल अनेबल करे स्टूडेंट को, ताकि वो क्वेश्चन कर सके और चैलेंज कर सके डोमिनेशन को, किसी भी तरह के डोमिनेंट बिहेवियर को, जो ऑपरेसर्स है, जो जो हो रहे हैं, ऑपरेस्ड हो रहे हैं, तो वो उनको क्वेश्चन कर सके। नेक्स्ट है क्रिटिकल पेडागोजी एक सेंट्रल कंसर्न है, इशू है पावर का, जो पावर देती है टीचिंग और लर्निंग कॉन्टेक्स्ट में, जिसके अंदर इक्वल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल अपनाया जा रहा है फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है क्रिटिकल पेडागोजी के अंदर कि पहला है क्रिटिकल पेडागोजी आपकी प्री अजम्पशन है कि एजुकेशन को एक पेडागोजी के फॉर्म में देखा जा रहा है। ये प्रोवाइड करती है लर्नर को कि वो एक बेहतर तरीके से इस वर्ल्ड को डिफाइन करें, एक नई तरीके से ट्रांसफॉर्म करें, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को रिमूव करें। नेक्स्ट है एक ऐसा अप्रोच है जो कि प्रॉब्लम पर बेस्ड है, कि लर्नर कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसके सॉल्यूशन को निकाल रहा है। नेक्स्ट है क्रिटिकल पेडागोजी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करती है लर्नर को फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स टू सब्जेक्ट्स में। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी उसमें बच्चों को एज अ ऑब्जेक्टिव लर्निंग दी जाती थी, जो भी इंफॉर्मेशन टीचर फीड करती थी जो बच्चा उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता था। लेकिन सब्जेक्ट्स की बात करती है क्रिटिकल पेडागोजी, जिसके अंदर जो बच्चे को एज अ इंडिविजुअल देखा जाता है, इंडिविजुअल बच्चे की जो बिलीव्स है या वैल्यूज है उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। नेक्स्ट है इसका एम्स है कि हमें रिस्पेक्ट जनरेट करना है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में, ट्रस्ट जनरेट करना है टीचर और लर्नर के बीच में। नेक्स्ट है ये फोकस होता है आपका डायलॉग पर इंस्टेड ऑफ वन वे ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, यानी कि वन वे ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज को ये पूरी तरह से डिनाई करता है। टू वे लर्निंग प्रोसेस है जिसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है लर्नर को कि वो अपने व्यू पॉइंट्स को रखे टीचर्स के सामने, और टीचर्स को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे की जो बिलीव्स को रिस्पेक्ट करें। तो ये सब कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे आपके क्रिटिकल पेडागोजी के अंदर। लास्ट देखते हैं इसमें बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन था। बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो कि आपका फ्रेज है वो आयरनिकली डेवलप किया गया है पॉलो फेरेरे में, जो कि डिस्क्राइब करता है आपके प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन को, यानी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को। तो इन्होंने ट्रांजिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को एज अ बैंकिंग एजुकेशन कहा है, कंसिडर किया है, जिसके अंदर टीचर बच्चे को एक एम्प्टी अकाउंट की तरीके से देख रही है। जैसे कि हम पैसा बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसी हिसाब से जो टीचर है वो बच्चे के अंदर इंफॉर्मेशन को इन्वेस्ट कर रही है विदाउट इवन क्वेश्चनिंग, और बच्चा कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा कि क्या सही है क्या गलत है उसके लिए, और वो लेता जा रहा है थ्रू रोट मेमोराइजेशन। लास्ट है इसका प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन। तो इन्होंने जो बैंकिंग सिस्टम था, सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, इसको पूरी तरह से डिनाई कर दिया था। तो लास्ट में जाके इन्होंने अपना एक प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन सिस्टम जो कॉन्सेप्ट था ये लेकर आया था, जिसके अंदर ये प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो कि एक अल्टरनेटिव मेथड है एजुकेशन का, सजेस्ट किया था पॉलो फेरेर ने। और ये जो अथॉरिटेरियन जो प्रैक्टिसेस थी उसको क्वेश्चन करने के लिए बनाया गया था, बैंकिंग एजुकेशन सिस्टम को क्वेश्चन करने के लिए बनाया गया था, जिसके अंदर बच्चे को ये ऑटोनॉमी दी जा रही है, लिबर्टी दी जा रही है कि वो क्वेश्चन पोज करे टीचर के सामने और टीचर उसकी हेल्प करे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में।
और जो बच्चा है उसको ऑटोनॉमी दी जा रही है कि वो अपना लर्निंग एनवायरनमेंट खुद क्रिएट करे और कुछ न्यू एक्सप्लोर करे और इन्वाइट करे। तो ये आपकी पूरी की पूरी पॉलो फेरेरे की फिलॉसफी थी। तो आई होप ये आपको समझ आई होगी। इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है आपको वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगी। आप यहाँ से उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक अवेलेबल है वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो, फीडबैक ज़रूर देना। आज के लिए सिर्फ।